मैंने ऐसा कभी नहीं पहले सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। एक ही झटके में सारा खेल पलट जाएगा। कुछ करने की चाहत थी, कुछ लाने की चाहत थी, लोगों के लिए कुछ कर दिखाने की चाहत थी, लेकिन एक ही झटके में सारा दिल टूट गया। जी मेरा नहीं, वसुंधरा राजे का। राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद इनको नहीं मिला। आप इनके मुख पे देख सकते हैं कैसा मुख इनका हो चुका है। इनके चेहरे पर साफ बयां कर देती है, इनकी आंख सारा का सारा बयां करके दिखा देती है कि इनके चेहरे में, इनके दिल में क्या बीत रहा है और ये क्या चाह रही हैं। भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया राजस्थान का, और वहाँ का सारा सियासी माहौल खत्म हो चुका है। वसुंधरा राजे कुछ करने की चाह थी और वो पहले से दावा कर रही थी, लेकिन एक सवाल उत्पन्न हो रहा था वहाँ पे कि वे वसुंधरा राजे कांग्रेस में जाने का यहाँ पे चर्चा इनको पहले से ही हो गया था। उसी को बात को लेकर के यहाँ पे मध्य प्रदेश में सरकार इनको नहीं बनाया गया और भजन लाल शर्मा को आज मुख्यमंत्री पद दे दिया गया। वहां बड़ी चाहत के साथ भजन लाल शर्मा को बीजेपी का मुख्यमंत्री राजस्थान का बना दिया गया, क्योंकि वहां पे भजन लाल शर्मा को नए पद मिला है, नए मुख्यमंत्री पद मिला है, और उनको पहले से ही कहा जा रहा था कि राजस्थान में नए मुख्यमंत्री मिलेगा, क्योंकि सभी यहाँ पे मुख्यमंत्री दावा चल रहा है कि नए सीएम मिलेंगे, और पहले से ही भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री का दावेदार यहाँ पे 8 में से बताए जा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा राजे आज रोई, उनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है, साफ दुख दर्द भरी दिखाई दे रहा है कि वसुंधरा राजे को नहीं मिला। वसुंधरा राजे राजनाथ सिंह वहां पे मौजूद थे, और जैसे ही वसुंधरा राजे के हाथ में वो पर्ची आया, वसुंधरा राजे के चेहरे पूरा का पूरा पलट गया। वसुंधरा राजे के चेहरे पे खुशियां थी, लेकिन उसी वक्त सारा का सारा खुशियां उड़ गई। वसुंधरा राजे ऐसा सोची भी नहीं थी कि मेरे हाथ में पर्ची आएगा तो उस पर्ची में किसका नाम था, किसका नाम होगा। लेकिन आज भजन लाल शर्मा का उनके हाथ में पर्ची पड़ते ही वसुंधरा राजे का पूरा होश ही उड़ गया। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि भजन लाल शर्मा को नए मुख्यमंत्री पद दिया गया और वो वहां पे जाकर शपथ अपना ग्रहण भी करे, और आज से वो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा राजे का आज होश उड़ा, राजस्थान में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वसुंधरा राजे पूर्व दो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं दो बार की, और आज उनके साथ ये बड़ा खेला हुआ। वसुंधरा राजे बार बार कही थी कि मैं ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं शपथ ना लूं और मुझे सीएम पद चाहिए और वो ना मिले, लेकिन आज वो उनका देखने को भी मिला कि आज उनके सीएम पद से पूरा का पूरा यहाँ पे उम्मीद ही हट गया, सारा उम्मीद ही टूट गया, पूरा दिल ही टूट गया उनका। जिस तरीके से चेहरे की मुस्कान उनकी उड़ी हुई थी, आंख में आंसू झलक रहे थे, और साफ स्टेज पे उनके साथ ये चीज देखा गया। तो आज भजन लाल शर्मा का दावा पेशकश किया गया जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हुए, और ये भी खबर अब आ रही है, साफ निकल कर दावा आ रहा है कि अब वसुंधरा राजे पूरा विधायक को लेकर अब कांग्रेस में जाने वाली थी, क्योंकि पहले भी गहलोत के साथ इनकी मीटिंग हो चुकी है, और वो दावा इसीलिए निकाला गया क्योंकि ये वसुंधरा राजे गहलोत के साथ थी, और ये दावा भी चल कर आ रहा है। पूरा का पूरा मामला अब उड़ गया है, उसी को लेकर यहाँ पे राजस्थान में के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को नहीं बनाया गया। आप क्या समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लेकिन ये बात सच है कि इसी के कारण हो सकता है कि वसुंधरा राजे का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया राजस्थान का। तो जिस तरीके से देखा गया कि आज भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद मिल चुका है और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राजस्थान के हो चुके हैं, और वसुंधरा राजे का होश ही उड़ गया, अब ये कांग्रेस में पूरी तरीके से अब जाने वाली हैं, इनका रास्ता साफ खुल गया। लेकिन जिस तरीके से सुबह से ही इनके घर के बाहर पूरे पूरे भीड़ जुटे हुए थे, बारी बारी से विधायक इनसे मिलने आ रहे थे, लेकिन आज पूरा शाम को सीधा खेल ही पलट गया। वसुंधरा राजे को सीधे होश ही उड़ा कर रख दिया भजन लाल शर्मा ने, और जिस तरीके से इनके पद छीन लिया गया और पर्ची में जो आया नाम उससे इनका पूरा तरीके से होश उड़ गया, या रोने लगी। तो अब इनका पूरा द्वार खुल चुका है, अब ये कांग्रेस में प्रवेश कर सकती हैं। अब आगे चल के क्या मामला आता है मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर सकते हैं, और आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो इस पे फॉलो कर सकते हैं।